दोस्तों आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। पिटाई के डर से कड़बी के पूंजों में छुपा रहा दो दिन तक बालक। अपहरण को लेकर परिजन थाने चौकी के लगाते रहे चक्कर। पुलिस को भी करनी पड़ी खासी मशक्कत। घरवालों की पिटाई के डर से दो दिन पूर्व गायब हुआ 8 वर्षीय बालक रविवार सुबह खेतों में लगे कड़बी के पूंजों के अंदर छिपा हुआ मिला। कड़बी को हिलता देख ग्रामीणों को जब किसी जानवर की आशंका हुई तो ग्रामीण लाठी डंडों के साथ कड़बी को घेर कर खड़े हो गए। इसके बाद ग्रामीणों ने कड़बी को हटाया तो अंदर छिपा हुआ बालक मिला। बालक को देख ग्रामीणों ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने बालक को लेकर दिलावटी चौकी पहुंचे और पुलिस को अवगत कराया कि दो दिन पूर्व गायब हुआ बालक उन्हें मिल गया है। वहीं बालक के मिलने पर पुलिस ने भी राहत की सांस ली। पुलिस ने बालक की तलाशी के लिए नाकाबंदी कर तलाशी और अभियान चलाया। पुलिस को खासी मशक्कत भी करनी पड़ी। अधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि शुक्रवार 5 से 6 बजे नंगला कुलवाना का 8 वर्षीय बालक घर से गायब हो गया था। बालक के गायब होने के बाद परिजनों ने आस पड़ोस के साथ उसकी काफ़ी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद परिजनों ने बालक के अपहरण की आशंका जताते हुए शनिवार को कामत आने पर लिखित तहरीर देकर मामला दर्ज कराया गया। मामला दर्ज होने के बाद दिलावटी चौकी प्रभारी सुखदेव सिंह को मामले की जांच सौंपी गई। चौकी प्रभारी सुखदेव सिंह ने बताया कि पूछताछ में बालक ने बताया कि वह बेर खाने के लिए घर में बिना बताए पहाड़ पर चला गया था, जिसके बाद उसे डर था कि कहीं घर में परिजन उसकी पिटाई ना कर दें, इसलिए वह कड़वी के पूंजों में ही छुपा रहा। वहीं 8 वर्षीय बालक के मिलने के बाद परिजनों ने चौकी प्रभारी को विश्वास दिलाया कि वह बालक पर किसी प्रकार का डर नहीं रखेंगे। पुलिस बालक से पूछताछ करने के बाद मामले की जांच में जुट गई है। के अनुसार गांव का 8 वर्षीय बालक कई बार घर से गायब होने का प्रयास कर चुका है, लेकिन दो दिन तक वह कभी गायब नहीं रहा। परिजनों ने बताया कि बालक की कोई जिद पूरी नहीं होती है तो वह पूर्व में भी नाराज होकर घर व आसपास पड़ोस में छुप जाता है, लेकिन पूर्व में हुई घटनाओं का जल्दी पता लग गया और 2-3 घंटे बाद बालक मिल भी गया था। परिजनों ने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बालक 2 दिन तक नहीं मिला। 2 दिन बाद मिले बालक ने बताया कि वह पहाड़ से बेर खाने के साथ ही काफ़ी बेर वह थैली में भरकर अपने साथ लेकर आया था। कड़बी में छिपने के बाद 2 दिन तक उसने बेर से ही पेट भरा और कड़बी के अंदर ही रहा और 2 दिन तक पानी भी बालक ने नहीं पिया। दोस्तों क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए हमारे आरडी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।